हर्ता श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेशा ओम गजाननाय नमः विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। सुरापद्मन की सेना को तो हमने हरा दिया, अब यहाँ का संकट टल चुका है, किंतु भाभी माँ, भ्राता कार्तिकेय के तप को भंग होने से रोकने के लिए भाभी माँ ने विशाल जलधारा को रोक लिया था और अभी भी मूर्छित ही है। इस पर तो किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ना तो मेरे स्वर का और ना ही इस औषधि के प्रभाव का। सूर्योदय के होते देव सेनापति कुमार कार्तिक एक छठे दिन का वक्त पूर्ण हो जाएगा, यदि उनकी पूजा पूर्ण नहीं हुई तो तुम्हारा अब तक का त्याग सेवा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा पुत्री, सब कुछ। जयंत, हमें शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए, हम और विलंब नहीं कर सकते। नहीं, मुझे क्षमा करे प्रभु, अपने आराध्य स्वामी कार्तिकेय के दर्शन के लिए तो मैं भी ला रही हूँ, किंतु उसके लिए मैं यहाँ रहकर उनकी प्रतीक्षा करूंगा। मेरे प्रभु स्वयं यहाँ आकर मेरी रक्षा करेंगे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। कैसा सर्वनाश हो गया है, देवताओं को देखते देखते उसके मान के प्रतीक उन देवराज के पुत्र जिस जयंत को हर लाए थे। वो हमारी आंखों में धूल झोंक के चला गया, मुक्त हो गया हमारे बंधन से और पीछे छोड़ गया तो बस हमारे अपमान के प्रतीक ये भस्म। वो निरा बालक जयंत गया तो गया, उसकी चिंता नहीं है मुझे, क्योंकि युद्ध तो अब होकर ही रहेगा और इस युद्ध में देवताओं का विनाश होगा तो वो भी नहीं बचेगा, किंतु विजय विजय चाहिए मुझे, बस उसी की चिंता करो पुत्र। विजय की चिंता वो करे माँ जो सामर्थ्यहीन है, हमें क्या चिंता, हमारे पास तो सभी देव अस्त्र हैं, असुर अस्त्र हैं, मायावी अस्त्र हैं, और क्या है उस बालक कार्तिकेय के पास, क्या योग्यता है उसकी, जीवन में किया ही क्या है उसने। जयंत, भ्राता कार्तिकेय की आज्ञा से ही हम यहाँ आए हैं, जिन्होंने तुम्हें मुक्त कराने के लिए एक बड़ी यात्रा की है। जब तुम्हारे पिता तुम्हारे हरण की सूचना लेकर कैलाश पहुँचे थे तो स्वयं पिताश्री महादेव ने उन्हें तुम्हारे उद्धार के लिए भेजा, सुरापद्मन को परास्त करने हेतु पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए
उन्होंने पंचभूत शिवलिंग के दर्शन भी किए। ना वो बालक इतना समर्थ है, ना उसके अस्त्र शस्त्र इतने शक्तिशाली कि वो युद्ध में हमें पराजित कर सके, किंतु मुझ में, मेरे भ्राता में और मेरे पुत्रों में उसे हराने की क्षमता है। युद्ध के पूर्व योद्धा अस्त्र शस्त्र और शक्तियां एकत्र करते हैं, किंतु भ्राता कार्तिकेय ने न केवल केदारनाथ और काशी की यात्रा की, अपितु श्री कालहस्ती से अपनी यात्रा आरंभ कर सभी पंचभूत धामों एकांबरेश्वर, अरुणाचलेश्वर, चिदंबरम, और तिरुचिरापल्ली की यात्रा कर प्रभु महादेव के पंचभूत स्वरूपों का आशीष प्राप्त किया और अपनी ये यात्रा संपन्न की। प्रभु महादेव के आशीष से उन्हें पाशुपतास्त्र भी प्राप्त हुआ। और अब उसके प्रयोग करने की क्षमता पाने के लिए वो 6 दिन के संयम व्रत में है। कोई भी दैविक अस्त्र शस्त्र क्यों ना ले आए वो कार्तिकेय, किंतु मेरे पुत्रों, तुम्हारे पास तो वो कवच है जो बड़े से बड़े अस्त्र को रोक सकता है। मैं और मेरी माया है तुम्हारे पास, जिससे तुम्हें हमारे पराजय का प्रतिशोध लेने की शक्ति प्राप्त होगी। और अपने 6 दिनों के संयम व्रत को पूर्ण करने के बाद वो तुम्हें देखेंगे जयंत, तो उन्हें अपार प्रसन्नता होगी, क्योंकि ये सब उन्होंने तुम्हें सुरापद्मन के बंधन से मुक्त कराने के लिए ही तो किया। इसलिए विलंब मत करो, चलो हमारे साथ। यदि ऐसा है प्रभु, तो मेरी प्रतीक्षा तो अब शीघ्र ही समाप्त होगी, इसलिए अभी मेरा जाना तो और भी अनुचित होगा। मैं अपने आराध्य प्रभु सुब्रह्मण्यम कार्तिकेय स्वामी की शपथ लेता हूँ, जब तक वो स्वयं यहाँ नहीं आएंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जब तक वो स्वयं यहाँ नहीं आएंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। प्रभु, अब हम क्या करें प्रभु? क्या हम भी यहीं रुक जाए प्रभु? जयंत ने ये कैसी सौगंध ले ली? प्रणाम प्रभु महागणाधिपति जी। हे विघ्नहर्ता गणेश, जयंत को यहाँ से जाने के लिए विवश मत कीजिए, अन्यथा जो भी अभी तक हुआ है सब निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि जयंत को मुक्त करवाना ही कुमार कार्तिकेय के यहाँ आने का एक विशेष उद्देश्य है। देवराज इंद्र का वचन स्मरण है ना आपको? मैं देवराज इंद्र ये घोषणा करता हूँ, जो भी महापराक्रमी योद्धा मेरे पुत्र को मेरे पास वापस लाएगा, मैं उसे अपनी पुत्री देवसेना के योग्य समझकर अपनी पुत्री का विवाह उससे करवाऊंगा। यही नियति है कि कुमार कार्तिकेय खुद यहाँ आकर धर्म की स्थापना करें। इसलिए इन घटनाओं का संबंध कुमार कार्तिकेय के विवाह से भी है, ये मत भूलिए आप। हाँ,
उचित ही तो है। यदि जयंत आज हमारे साथ यहाँ से चला गया तो भाभी माँ देवसेना और भ्राता कार्तिकेय के विवाह का संयोग कैसे बनेगा? क्या है सत्य है प्रभु? दीदी देवसेना और प्रभु कार्तिकेय का विवाह होगा? सत्य ही नहीं, ये नियति है और पूर्व जन्म में दिया भ्राता कार्तिकेय का वचन भी प्राप्त है उन्हें। मैं आपको वचन देता हूँ, अगले जन्म में मैं आपसे विवाह अवश्य करूँगा। वीर बाहुजी भाभी माँ देवसेना को उनकी सुरक्षा के लिए कैलाश ले गए और वहाँ माँ ने उन्हें भ्राता कार्तिकेय से विवाह का आशीर्वाद दिया। सदा खुश रहो पुत्री। तुम्हारा भावी पति यात्रा पर है और तुम उससे भेंट करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें इसकी अनुमति देती हूँ। फिर उन्होंने भी भ्राता के समान पंचभूतों की यात्रा संपन्न की। और वहीं पहुंच गई जहां भ्राता कार्तिकेय इस समय संयम व्रत में लीन है। अर्थात दीदी और प्रभु दोनों का दिव्य मिलन होगा, उनका विवाह होगा, तब तो मेरी प्रतीक्षा सार्थक है। हाँ जयंत, किंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे तुम्हारी दीदी किसी संकट में है। पुत्री, उठो पुत्री। प्रभु, तो आपसे मेरी विनती है, शीघ्र जाकर मेरी दीदी की सहायता कीजिए, मेरी चिंता त्याग दीजिए। उन्होंने अब तक मेरी रक्षा की है, प्रभु कार्तिकेय मेरा कोई अहित नहीं होने देंगे, वो मेरी रक्षा करने अवश्य आएंगे। धन्य हो तुम जयंत, धन्य है तुम्हारी अटूट भक्ति। अपने आराध्य में ऐसा अटूट विश्वास और भक्त की सच्ची निष्ठा ही भगवान की भी शक्ति बनती है और अधर्म पर धर्म की विजय का कारण भी। विघ्नहर्ता गणेश जी, यदि पुत्र जयंत यहाँ रुकेगा तो हम उसे यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? नहीं वायुदेव, मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरे साथ तो स्वयं मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी सदा रहते हैं। और यदि आप अभी नहीं जाएंगे तो प्रभु की सेना में उनके सहायक कैसे बनेंगे? ये प्रश्न तो मेरे प्रभु की प्रभुता का है, उन्हें अपनी भक्ति रक्षा करने आना ही होगा। तुम्हारी भक्ति अनुपम है, श्रेष्ठम है, तुम उत्तम भक्ति के उदाहरण हो जयंत। आप सभी को मेरा प्रणाम। और हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आपसे मेरी एक अनुरोध है, मेरे प्रभु तक अपने इस भक्त का प्रणाम अवश्य पहुंचा दीजिएगा। अवश्य। और तुम यहाँ जयंत की रक्षा करना अजामुखी। अब तुम मेरे निकट रहोगे जयंत, मेरे साथ ही चलोगे। चलो। नहीं अजामुखी जी, हमारे मार्ग अलग है। तुम समझते क्यों नहीं हो जयंत, तुम इस प्रकार यहाँ किसी को दिखाई दिए तो इस बार ऐसे भयंकर कारागार में डालेंगे तुम्हें कि किसी का तुम्हारे निकट पहुँचना असंभव ही हो जाएगा। जब प्रभु की भक्ति साथ है तो चिंता किस बात की, बस आप भी प्रभु भक्ति में लीन रहिए और चिंता मुक्त रहिए। जयंत, सूर्योदय हो रहा है और पुत्री देवसेना अभी भी मूर्छित है। यदि ऐसा ही रहा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार तो देवसेनापति कुमार कार्तिकेय की अंतिम दिवस की पूजा पूर्ण नहीं हो पाएगी, उनकी ये यात्रा असफल हो जाएगी।
उनका व्रत भंग हो जाएगा और मेरी पुत्री देवसेना की उसकी सेवा उसकी निष्ठा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। कदापि नहीं, मेरे रहते ऐसा कदापि नहीं होगा देवराज। गणेश जी, प्रभु, प्रथम पूज्य गणेश जी, देखिए ना ये मेरी पुत्री को क्या हो गया, ये मूर्छा से बाहर ही नहीं आ रही। कुछ कीजिए गणेश जी, कुछ कीजिए। जिन्होंने भक्ति और सेवा भाव की सर्वोच्च परीक्षा में सफलता प्राप्त की है उन्हें भला कुछ कैसे हो सकता है, इनकी मूर्छा तो अभी भंग हो जाएगी जैसे ही आशीर्वाद स्वरूप इन्हें अपने स्वामी की चरण रज प्राप्त होगी। प्रभु, मैं अभी उनका चरण रज लेकर आया। नहीं मूषक जी, भाभी माँ ने भ्राता की इतनी सेवा की है तो अब उनके लिए कुछ करने का कर्तव्य मुझे निभाने दीजिए। भाभी माँ, ये मैं यहाँ क्यों हूँ? सूर्योदय हो गया अर्थात पूजा का समय हो गया तो मुझसे ये चूक कैसे हो रही है, मुझे विलंब क्यों हो रहा है? पुत्री देवसेना, पुत्री, पुत्री, भाभी माँ की भक्ति उनकी निष्ठा अनुपम है। अभी मूर्छित अवस्था से उठने पर भी, पूर्ण रूप से कुशल ना होने पर भी, सर्वप्रथम उनके मन में एकमात्र पूजा संपन्न करने का ही विचार है। पुत्री देवसेना की स्थिति तो अब नियंत्रण में, किंतु पुत्र जयंत, वीर बाहु, आप तो मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए उसे वापस लाने के लिए गए थे ना? पुत्र कहाँ है मेरा पुत्र? अग्निदेव, व
वायुदेव, यदि आप सभी देवगण यहाँ हैं और सुरक्षित हैं तो फिर मेरा पुत्र जयंत कहाँ? उत्तर दीजिए देवगण, कहाँ है मेरा पुत्र? वहां तो स्वयं प्रभु कार्तिकेय की भक्ति में रम गए, इसलिए उनकी तो कदापि चिंता ना करें देव। आपकी पुत्री के समान वो भी परम भक्त है और अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए उसने वहीं रुकने का चुनाव किया है। ये सब उस बालक जयंत के कारण हुआ है। यदि वो फिर मेरे सामने आए तो उसे कीट के समान मसल के रख दूंगा। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। तुम यहाँ? अब आ ही गए हो तो उचित स्वागत के लिए तैयार भी हो जाओ। अजयमुखी, हट जाओ मेरे मार्ग से। मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगी, ये अनर्थ मैं आपको कदापि नहीं करने दूंगी जेश। स्मरण करो, तुमने वचन दिया था कि मेरे आदेश का पालन करोगी। दंड बालक, यहां पे लौटने का दुस्साहस कैसे किया? उत्तर दो मुझे, मेरे पुत्र के ऐसे भयंकर अंत के बाद भी तुमने यहां पे आने का दुस्साहस कैसे किया? पुत्र इससे पूछो कि अन्य देवताओं के साथ यहां से गया क्यों नहीं? यहां क्यों वापस लौटा है और क्या चाहिए इसे? कदाचित इसका प्रभु इससे तनिक भी स्नेह नहीं करता, इसकी मृत्यु चाहता है, इसीलिए इसे यहाँ छोड़ गए। नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा मुझे। क्या रुकने का चुनाव स्वयं मैंने किया है, ये प्रमाणित करने के लिए कि मेरे प्रभु को मुझसे कितना स्नेह है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यहाँ महेंद्रपुरी में धर्म की शक्ति को स्थापित करने तथा अधर्म का नाश करने और मुझे यहाँ से मुक्त कराने स्वयं मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी विघ्नहर्ता श्री गणेश के साथ शीघ्र यहाँ आएंगे। वो बालक आएगा यहाँ? और क्या कहा तुमने, किसके साथ आएगा? उनके भ्राता गजानन श्री गणेश जी के साथ। तुम्हारा अर्थ ये है कि वो लंबी सूंड वाला, बड़े पेट वाला, जिनकी आंखें भी छोटी है और जिनका कद भी छोटा है, किंतु कान और मस्तक आवश्यकता से भी अधिक बड़ा, वो यहाँ पे आएगा। जिनका आप उपहास कर रहे हैं, कदाचित आपने उनको ध्यान से न देखा है न पहचाना है, जबकि आपके नेत्र तो बहुत बड़े बड़े हैं। जिनके शरीर को आप प्रयास का पात्र बना रहे हैं, स्वयं उन्होंने अपनी माता को अपने रूप का अर्थ समझाया था। जिनके नेत्रों को आप छोटा बता रहे हैं, उन्होंने अपने नेत्रों के महत्व को समझाते हुए कहा था, मेरे ये नेत्र तो बड़े ही अद्भुत हैं। इनसे मैं सब कुछ बड़ी सूक्ष्मता से देख पाता हूँ, इसलिए अब मेरे लिए सत्य और असत्य का भेद करना बहुत ही सरल हो गया है, क्योंकि मेरे ये गज नेत्र तो सूक्ष्मता के प्रतीक हैं। कदाचित उनके मस्तक पर
अंकित दिव्य त्रिशूल को भी आपने नहीं देखा। नहीं तो आप समझ जाते कि समय की धारा के तीनों भाग भूत वर्तमान भविष्य तीनों के वो स्वामी हैं। बालक देखा नहीं उन्हें, तो उनकी महिमा सुन तो लीजिए। सुनने से तो ज्ञान बढ़ता है, इसीलिए जो अधिक सुनते हैं और कम बोलते हैं वही बड़े ज्ञानी बन पाते हैं, है ना माँ? अब मेरे इन बड़े कानों से तो मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, इसलिए मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊंगा ना माँ? तो माँ मेरे ये बड़े बड़े कान ज्ञान के ही प्रतीक है ना? उनकी सुन प्रणव शब्द ओम की प्रतीक है, जो अलौकिक परम सत्य का स्वर है, जो बुरा है उसे हटाकर अच्छे को अपनाने में मेरी सहायता करती है मेरी सून। इसलिए मेरी सून तो अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान को ढूंढने की प्रतीक है माँ। इसलिए उनकी सून में तो संपूर्ण ब्रह्मांड समा सकता है, और उनका वो विशाल मस्तक और मेरा ये विशाल गज मस्तक माँ, ये तो बुद्धिमता और ऐश्वर्य दोनों का ही प्रतीक है, क्योंकि गज के मस्तक पर तो स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि जो बुद्धिमान है वो तो अपनी बुद्धि से ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है, है ना माँ? उनकी चतुर्भुजाई मनसा बुद्धि अहंकार चित्त रूपी सूक्ष्म गुणों की और उनकी परम पवित्र चेतना के साथ इन गुणों को हमारे भीतर जागृत करने का माध्यम है, और अंत में उनका विशाल पेट इसका प्रतीक है कि जीवन में अच्छा बुरा सुख दुख सभी को वो अपने भीतर समाकर रखने में सक्षम है, अर्थात वैदिक ज्ञान के गूढ़ रहस्य का सार है। और उनके छोटे छोटे पद शुभता के प्रतीक है, जहाँ उनका आगमन होता है वहीं शुभता का विस्तार होता है। ये है प्रभु श्री गणेश जी की महिमा का परिचय, जो परम ब्रह्म श्री महागणाधिपति जी के अवतार है। उनकी अद्भुत स्वरूप की सुंदरता, विनाशन मंगल मूरताधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि देवी गंड स्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता कन्न कुमारो दर्शन बेरा मन रमता। जय देव जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे संतन संपद सबरी भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे। अब तो आप सबको प्रभु श्री गणेश जी के अनुपम रूप का उचित परिचय प्राप्त हो गया, तो अब मेरे साथ कहिए ओम गण गणपते नमः। 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 Yeah.
गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ये क्या कर रहे हैं इस तुच्छ बालक की बातों में आ रहे हैं। ओम गण गणपते नमः। बस बस बालक बस बस बालक बस बस बालक बस। तुम कहते हो कि परम ब्रह्म है वो जिनके ऊपर संपूर्ण संसार का भार है, तो क्या उनके पास इतना समय है कि तुम्हारे जैसे तुच्छ कीड़ की प्रार्थना सुनकर, तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारे रक्षा करने के लिए आएंगे? हाँ, वो अवश्य सुनेंगे मेरी पुकार, उनसे किसी का भेद नहीं छिपा, चाहे वो देव लोकवासी हो या साधारण धरतीवासी, जीव बड़ा हो या छोटा, सब उनके लिए समान है। इसलिए वो मेरी भी पुकार सुनेंगे, जैसे उन्होंने एक मेंढक दंपति की सुनी थी, और प्रभु का नाम लेने मात्र से उन दोनों का उद्धार भी हुआ। ये मात्र कथा नहीं, प्रभु श्री गणेश जी की लीला है, और अब मैं आपको वही कथा सुनाने जा रहा हूँ। धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए निराश हुए बिना प्रयत्नशील रहने से ही उचित परिणाम प्राप्त होता है। जब किसी बाधा से थम जाता है संसार, तो विघ्नहर्ता गणेश ही लगाते हैं सबको पावा। देखिए विघ्नहर्ता गणेश का गजवक्र अवतार। आ रहे हैं विघ्नहर्ता गणेश आपके घर कल रात। देखिए